नमस्कार, स्वागत है आपका आज मीडिया ग्रुप के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद दानिश। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार द्वारा आयोजित महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन पंचायत भवन सभागार में आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के नारी सशक्तिकरण अभियान के तहत महिला उत्पीड़न पर अंकुश लगाने की कवायद में यूपी पुलिस बड़े बदलाव कर रही है। अब महिलाओं को शिकायत लेकर थाने तक आना नहीं होगा, उनकी समस्या पिंक बूथ पर तैनात महिला सिपाही सुनेंगी और तत्काल राहत मुहैया भी कराएंगी। इसके लिए प्रत्येक थाने क्षेत्र में 5 पिंक बूथ बनाने का फैसला लिया गया है। 7 अप्रैल गुरुवार को मिशन शक्ति कार्यक्रम का शुभारंभ एडीजी बरेली जोन राजकुमार द्वारा जनपद मुरादाबाद के थाना सिविल लाइन्स स्थित पंचायत भवन में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एडीजी बरेली जोन राजकुमार द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस मौके पर मंडल आयुक्त एके सिंह, डीआईजी शलभ माथुर, जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, एसएसपी बबलू कुमार, एसपी ग्रामीण विद्या सागर मिश्र, एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया, एसपी ट्रैफिक अशोक कुमार, एएसपी सागर जैन के अलावा जिले के सीओ व थाना प्रभारी महिला सिपाही दरोगा व अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में महिलाओं, महिला सिपाही और छात्रों द्वारा सांस्कृतिक एवं उत्साहित कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। इस बीच महिला सुरक्षा दल की प्रभारी ज्योति द्वारा एक प्रस्तुति की गई, जिसमें दिखाया गया कि अगर मन चले छात्राओं को परेशान करते हैं तो उनकी खैर नहीं है। आप भी देखिएगा यह प्रस्तुति। मैम, हम लोग सुबह में मॉर्निंग स्कूल जाते हैं तो कुछ लड़के हैं हमें छेड़ते हैं और हम लोगों को देख के कमेंट पास करते हैं। आप परेशान ना हो, आपकी शिकायत दर्ज कर ली गई है। 1090 एक ऐसा नंबर है जो लड़कियां उसका उपयोग करती हैं और उसका उपयोग का फल ये होता है कि अगले दिन वो लड़के वहां पर कोई भी छेड़छाड़ नहीं होती है। कैसे खड़े हो आप यहाँ पे? ऐसे खड़े हैं कोचिंग के लिए, आपको बहुत देर से वॉच कर रहे हैं हम। आपकी बहुत शिकायतें मिल रही हैं सर, हमें अपने घर का फोन दीजिए, आपके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं। चंदन का नाम पता नोट कीजिए, चंदन आपके घर पे इन्फॉर्म किया जा रहा है। आप बजे खड़े हो यहाँ पे? नहीं नहीं, घर पे घर पे वो नहीं करिए, तो आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करोगे ना? नहीं, दोबारा से इस तरह की कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। इनका शपथ पत्र भरवाइए। अरे देख, आज कोई नहीं है ना, हमने अच्छा करा कि अभी से ही उन्हें कॉल करके और अपनी सहायता मांग ली, वरना कल कुछ और भी कर सकते थे ये लोग। हाँ, और अब जब भी ऐसा होया करेगा हम इसी नंबर पे डायल करा करेंगे और लड़कियों को भी बताएंगे कि अपने इस नंबर पे कॉल करें और अपनी पूरी तरीके से सुरक्षा करें। 1090 एडीजी राजकुमार ने कहा कि मिशन शक्ति अभियान को नई ऊर्जा के साथ संचालित किया गया है और मुरादाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा विजिटिंग कार्ड की पहल एक अनूठी पहल है। इससे पहले महिलाओं में जागरूकता के साथ ही आत्मविश्वास बढ़ेगा, महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगी। एडीजी ने कहा कि इस विजिटिंग कार्ड की अनूठी पहल को अन्य जनपदों में भी चालू करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा, ताकि महिलाएं, लड़कियां आगे बढ़कर इन हेल्पलाइन नंबरों का प्रयोग कर योजनाओं का लाभ उठा सकें। साथ ही मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत पुलिस विभाग ने महिला सुरक्षा दल को प्रत्येक चौराहों पर तैनात किया है जहां लड़कियों का आना जाना रहता है, और कहा कि अब महिलाओं को शिकायत लेकर थाने तक नहीं आना होगा, उनकी समस्या पिंक बूथ पर तैनात महिला सिपाही सुनेंगी और तत्काल राहत मुहैया भी कराएंगी। इसके लिए प्रत्येक थाना क्षेत्र में 5 पिंक बूथ बनाने का फैसला लिया गया है। तो वहीं डीआईजी शलभ माथुर ने कहा कि आज बहुत ही हर्ष एवं सौभाग्य का दिन है और सभी जगह महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है, ताकि महिला अपनी शिकायत महिला कांस्टेबल से निसंकोच कर सके। साथ ही कहा कि शासन की सोच एवं उद्देश्य यही है कि महिला निसंकोच होकर अपनी समस्या से अवगत करा सके। इसी को लेकर एक कार्यक्रम की प्रस्तुति भी गई, जिससे कि महिलाएं आसानी से समझ सकें कि शिकायत किस तरह से दर्ज करानी है।
ये हेल्प डेस्क, ये सेवा जो है हमारी महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए, जैसे कि वहाँ पर महिला किसी पुरुष से अपनी बात नहीं रख पाती है, इसीलिए ये हेल्प डेस्क नियुक्त हुए हर जगह, जिससे कि हर महिला अपनी बात, चाहे वो छोटी सी बड़ी समस्या हो, वहाँ पर आके एक महिला को वो बता सके। पिंक कलर के भी कलरिंग खरी गई, पिंक बूथ के नाम से भी इसे कई कई जगहों पर अलग अलग रूप से करा, लेकिन इसका नाम रखा गया महिला हेल्प डेस्क। मैम, हमें शिकायत दर्ज कराना है, हमें अपनी शिकायत दर्ज करानी है। आप जी नहीं आपने देखा कि कैसे निडरता से महिला शिकायत करती है थाने पर आते हुए। अब मैं सहज गई हूँ पूरी तरह, अब मैं पूरी तरह सहज गई हूँ थाने आने में और अपनी शिकायत दर्ज कराने में। इस बीच जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि नारी सुरक्षा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दायित्व पुलिस का है। हम बेटियों को कमजोर समझते हैं, जो गलत है। आज हमारा सौभाग्य है कि पंचायत सभागार में 95% महिलाएं उपस्थित हैं और सभी तरह की जो भी प्रस्तुतियां की गई हैं वह बेटियों के द्वारा ही की गई हैं, जिनके द्वारा बेटियों की सुरक्षा एवं सम्मान के बारे में बताया गया। डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री की यह मंशा है कि नारी की सुरक्षा हो और नारी को सम्मान मिले। इस बीच हम आपको नारी सम्मान को लेकर एक और कार्यक्रम की प्रस्तुति दिखा रहे हैं जो आपको काफी अच्छी लगेगी।
तो वहीं इस कार्यक्रम का आयोजन कराने वाले वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बबलू कुमार ने कहा कि जनपद की समस्त महिलाएं सुरक्षा दलों द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं को मिशन शक्ति फेज 3 नारी सुरक्षा नारी सम्मान नारी स्वावलंबन अभियान के अंतर्गत गली मोहल्लों गांवों चौराहों बाजारों बस स्टैंड आदि स्थानों पर जाकर महिलाओं एवं बालिकाओं से संबंधित होने वाले अपराधों के बारे में जागरूक किया जाएगा। एसएसपी बबलू कुमार ने बताया कि शासन की मंशा है कि प्रदेश की नारी पूरी तरह निडर रहे और अगर महिला छोटी सी भी समस्या लेकर आए तो उसे तत्काल सहायता उपलब्ध कराई जाए और समाधान कराया जाए। साथ ही बताया कि प्रदेश सरकार की पहल पर प्रदेश भर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए जिले में पिंक बूथ बनाए जा रहे हैं। प्रत्येक थाना क्षेत्रों में 5 पिंक बूथ बनाए जाएंगे जिसमें महिलाएं अपनी फरियाद महिला पुलिस कर्मियों को सुनाएंगी। इस बीच एडीजी राजकुमार ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया, आज ये मिशन शक्ति के तहत एक जागरूकता अभियान का एक कार्यक्रम यहाँ आयोजित हुआ जिसमें महिला पुलिस कर्मियों के साथ साथ विभिन्न विभाग के अधिकारी कर्मचारी और आम जनता के लोग भी इसमें शामिल हुए। मुख्य रूप से मिशन शक्ति के को आगे कैसे ले जाना है और महिला सुरक्षा को कैसे महिलाओं में सुरक्षा की भावना व्यक्त हो इसमें क्या क्या कदम उठाने इसके बारे में चर्चा की गई। महिला पुलिस कर्मियों को ब्रीफ किया गया। इसी के साथ साथ मुरादाबाद पुलिस द्वारा एक विजिटिंग कार्ड का विमोचन भी हुआ है। उस विजिटिंग कार्ड में छोटे से कार्ड में सभी तरह की सूचनाएं सभी हेल्पलाइन के बारे में सभी योजनाओं के बारे में जानकारी जनता को मिल सकती है। पूर्व में भी कई फेस के कार्यक्रम हो चुके हैं उसमें कितनी सफलता तक मिल पाई है? नहीं, मिशन शक्ति के जितने भी पूर्व में कार्यक्रम हुए उसमें काफ़ी सफलता अर्जित की है और उन सफलताओं को देखते हुए और उनमें छोटी मोटी जो कमियां रही हैं उनको देखते हुए हम लोग आने वाले दिनों में उसको नई ऊर्जा के साथ इस कार्यक्रम को आगे ले जाएंगे। क्योंकि जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है चुनौतियाँ कोई नई सामने आ रही हैं आज के टाइम में? जी, कोई नई नई चुनौतियाँ सामने आ रही हैं मिशन शक्ति कार्यक्रम को लेकर और महिला सशक्तिकरण को लेकर? नहीं, चुनौतियाँ तो हमेशा रहती हैं, चुनौतियाँ हमेशा रहती हैं और हम लोग उन चुनौतियों का भरपूर सामना करेंगे, उसके लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। फेज 3 की इस योजना में महिला एवं बाल समस्याओं के निवारण हेतु प्रमुख हेल्पलाइन नंबर 1090 वुमेन पावर लाइन, 181 महिला हेल्पलाइन, 108 एम्बुलेंस सेवा, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 112 पुलिस आपातकालीन सेवा, 1098 चाइल्ड लाइन तथा 102 स्वास्थ्य सेवा हेल्पलाइन नंबरों के उपयोग के संबंध में विस्तार से जानकारी बताई गई। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। शहर और राज्य की हर छोटी और बड़ी खबर देखने के लिए जुड़े रहिए आज मीडिया ग्रुप के साथ। धन्यवाद।